let's say it is a flow of charge. Flow of charge, flow of electrons. Current. कुछ बट इलेक्ट्रिसिटी बनी है इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं कुछ लोग इलेक्ट्रिक मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ आपको ठीक है तो हमारा वो भी जाएगा इलेक्ट्रिक एंड करंट ठीक है इलेक्ट्रिक तो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक बना किससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और करंट मतलब होता है फ्लो ठीक है करंट मतलब होता है फ्लो फ्लो तो फ्लो ऑफ करंट समझे हम लोग क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट जैसे पानी फ्लो कर रहा है तो उसे कहते हैं पानी वाटर करंट करंट का मतलब होता है फ्लो कोई चीज का बहना तो यहाँ क्या बह रही है आपकी इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उनके मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ये है चैप्टर यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर जो विद्युत बनाते हैं वो विद्युत धारा कहलाती है धारा मतलब फ्लो तो अच्छा तो सबसे पहले हम इसमें कराते सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो उसका Types of electric charge. I know. Types of electric charge. Hindi में electric charge मतलब हो गया विद्युत आवेश के प्रकार. विद्युत आवेश के प्रकार. ये आपका हो गया इसमें पहला आता है इसका positive. पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव ठीक है नेगेटिव ठीक है एक पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश और दूसरा क्या है ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश तो ये दो तरह के आवेश होते हैं आप लोग देख रहे हो तो इसमें हाँ जी तो आपको पता होना चाहिए ये देखो देखो द चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर बेटा द चार्ज देखो बेटा द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड एक्वायर्ड हाँ बेटा द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड देखो लिखो रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ Rubbed with a silk cloth. Right, you want to know? Is called positive charge. Is called positive charge. Is called positive charge. Come on. Is called positive charge. ठीक है बेटा अब देखो नेगेटिव चार्ज बना दो द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ एन एबोनाइट रॉड EVONITE एबोनाइट रॉड The charge acquired by a ebonite rod. EBONITE ebonite rod. The charge acquired by a ebonite rod. The charge acquired by a ebonite rod. India. Diamond logo rubbed with a woolen cloth. Rubbed with a woolen cloth. is called देखो बेटे is called negative charge हाँ negative charge
is called negative charge. ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। अब सुना दो बेटा अपोजिट चार्ज क्या डालोगे, अपोजिट चार्ज यानी विपरीत आवेश, अपोजिट चार्ज, ठीक है, अपोजिट चार्ज हिंदी में विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, मतलब अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे ही एक है आपका सेम चार्ज, हिंदी में समान आवेश, समान आवेश, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव का जोड़ा क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल ईच अदर, हिंदी में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को, दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, ये हो गया आपका सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को धक्का मारता है, और अपोजिट चार्ज दूसरे को पास बुलाता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जैसे आपने मैग्नेट में अक्सर देखा होगा, नॉर्थ और साउथ वाली बात देखी होगी आपने, ठीक है सर, तो ये सारी बातें हैं आपकी, ठीक है बेटा, तो अब हमारी ये बात क्लियर होती है, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसमें लिखो एक न्यूमेरिकल आ जाता है, एक चीज और है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलोम, देखो बेटा अगला लिखो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलोम, सी ओ यू एल ओ एम बी, लिख लिया कूलोम, एस हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटे, कूलोम होता है, क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है बेटे, कूलोम होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलोम, ठीक है बेटा, एक यूनिट है जैसे जैसे मास, जैसे किलो और किलोग्राम का मास, फोर्स का न्यूटन है ना, ऐसी चार्ज का हमारा ऐसा यूनिट क्या है, कूलोम, ठीक है बेटा, तो साफ सिंबल है बताता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, एक देखो और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, इस कूलोम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से, सी, तो छोटा वाला या बड़ा वाला सी है, इंग्लिश का बड़ा वाला सी, बड़े वाला, ठीक है बेटा, तो ये हो गया, अब देखो इसमें लिखो, अब देखो डिफाइन वन कूलोम, क्वेश्चन लिखो एक और, डिफाइन वन कूलोम, क्वेश्चन है डिफाइन वन COULOM, ठीक है, हिंदी में कह रहा है कि एक कूलोम को परिभाषित कीजिए, ठीक है, डिफाइन वन कूलोम मतलब एक कूलोम को परिभाषित कीजिए, कीजिए, ठीक, डिफाइन वन कूलोम मतलब एक कूलोम को क्या करना है आपको, परिभाषित करना है, ठीक, लिखो बेटा, वन कूलोम इज दैट क्वांटिटी, वन, लिखो बेटे, वन कूलोम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन कूलोम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन कूलोम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स, विच एक्सर्ट अ फोर्स, which exerts a force, which exerts a force, which exerts a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन,
which exerts a force exert exerts मतलब डालती है तो 9 into 10 के पावर 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन लिख के दिखा दो हां 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स दिखाई दे रहा है यस व्हिच एक्सर्ट्स अ फोर्स 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स सर बेटा ऑन एन हां न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज ऑन एन इक्वल चार्ज on an equal charge placed at a distance 1 meter from it placed at a distance 1 meter from it ठीक है अब देखो ये क्या कह रहा है कि 1 कूलम इज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो क्या करती है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स जो क्या करती है एक फोर्स डालती है कितनी फोर्स है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज एक है ना प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट जो उससे कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर है उस पर कितना फोर्स डालती है इतना फोर्स हां इतना फोर्स डालती है ठीक है बेटा तो अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा तुम्हारा इसमें बताओ ये वाली न्यूमेरिकल है दिखाई दे रही है आप लोगों को हां ये देख लीजिए बताइए इसे सॉरी सॉरी मैं अच्छा कौन आते नहीं पानी पीला पानी पीला आगे बेटा आई वांट टू गेट टू काम इस ठीक है तो बेटा ये क्लिक कर हां तो दिखाई दे रहा है आपको और फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा ठीक है वो क्या कह रहा है ना क्या कह रहा सर ये 1 कूलम ऑफ इज दैट क्वांटिटी दिखाई दे रही है हां सर 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स ऑफ एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट दिखाई दे रहा है यस सर ये डेफिनेशन इसकी कि वो अगर हम उसे काम करते हैं सर इक्वल चार्ज का क्या मतलब है 1 कूलम ठीक है तो वो कह रहा है कि एक कूलम क्या होता है कि एक क्वांटिटी है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एक फोर्स डाल रही है कितने का 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट यानी उससे अगर कोई इतनी चार्ज की यूनिट उससे दूर लगी है कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक ये ऑब्जेक्ट और दोनों इक्वल चार्ज लगते हैं तो 1 मीटर की दूरी पर दोनों ये फोर्स क्या डाल रहा है इसके ऊपर 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन ये समझना क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट यानी वो उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा है तो वो क्या करता है लेकिन चार्ज इक्वल होना चाहिए उस पे फोर्स कितना आता है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन अच्छा अगला जो क्वेश्चन आता है आपका दिखाई दे रहा है बेटा हां जी अगला जो क्वेश्चन है बेटा आते नहीं बेटा क्वेश्चन ये वाला है ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम हां जी ओके ये वाला है ना सैंपल प्रॉब्लम कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज ठीक है क्वेश्चन है लिखो बेटा कैलकुलेट क्वेश्चन लिखो बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, यानी वन कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें तो ये पता लग गया. वन कूलम ऑफ चार्ज होता है जो फोर्स डाल रहा है वो 9 × 10⁻¹⁹ डाल रहा है. अंडरस्टूड? यस. लेकिन वो पूछा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, समझ मेरी बात? नहीं. यानी मैं कहूँ कि तुम्हारे अंदर ताकत कितनी है, तुमने कहा मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं दो सांड को मार सकता हूँ. ये सुन लो, एक साल ये तुम्हारी पावर है, लेकिन तुम्हारे अंदर उनको मारने के लिए ताकत कहाँ से आई? सेल से आई होगी. तो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे अंदर सेल्स कितने हैं? सेल्स मतलब टिश्यूज, कोशिका सेल्स है ना, बहुत सारी सेल्स में टिश्यू आ गया. तो वो सेल्स तुम्हारे अंदर कितने हैं जो तुम इतने मतलब ताकत में बना हुआ है? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चार्ज है वन कूलम कितने सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना कि वो 9 × 10⁹ मीटर फोर्स लगा पा रहा है. इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसमें फोर्स होगा. ऐसा नो? यस सर. ऐसा नो? तो वही बात था क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वन कूलम ऑफ चार्ज. लिखिए बेटा क्वेश्चन. तो आप लोग इसको यहाँ से देखो, We know that charge of an electron is 1.6 × 10⁻¹⁹ दिखाई दे रहा है. कितना होता है? हाँ बेटा, 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है. इफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? If charge is 1.6 × 10⁻¹⁹ की. अब वो कह रहा है कि, हाँ जी क्या कह रहा है कि अगर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज कितने पर, ये चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जो चार्ज है किस में पर है? एक इलेक्ट्रॉन पर. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है तो चार्ज वहां का चला जाएगा, एक के पिछला चला जाएगा. यानी कहने का मतलब चार्ज जो है आपका कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उस समय आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है ना? ये सुन लो, यानी क्या कह रहा है, जब इसका चार्ज कितना है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना, उस समय आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा, = 1. वही तो है. हाँ जी, तो हमें पता लग गया कि चार्ज इज 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम होगा समझने की कोशिश करना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर चार्ज कितना कर दिया हमने, इफ चार्ज इज 1 कूलम, इफ चार्ज कितना ले लिया 1 c यानी 1 कूलम, उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. नहीं नहीं, लेकिन एक तो हाँ सुनो मेरी बात, इस चार्ज कितना है 1 कूलम, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक इतना चार्ज कितने पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है. मैम नहीं आ रही, अभी आता हूँ मैं. जब चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मान लो एक कूलम है, एक कूलम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे. यस सर, बात समझ आ रहा है? एक कूलम में कितना चार्ज होगा? 1. एक कूलम में कितना चार्ज होगा? 1/ समझ मेरी बात. ये था ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जब हम इसको लेके आते हैं तो हमारा क्या जाता है, कूलम. समझ में आ रही? आ गई ना? क्या कह रहा है कि जब चार्ज कितना है, हाँ ये तो चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन है. फिर कहता है अगर इफ द चार्ज इज 1 कूलॉम, यदि चार्ज कितना है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, हेलो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6. अब वो पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक कूलॉम पर कितना चार्ज है. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, कह नहीं रहा है चार्ज. इफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है. अब वो कह रहा है कि अगर चार्ज एक कूलॉम इतना है तो उस कूलॉम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. नहीं समझे, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं, उसके चार्ज. समझे, हाँ जी. तो हमने क्या किया, ये चार्ज कितना है 1 कूलॉम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 नीचे रहेगा 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगी, इन्वर्स हो जाती. पता है ना 10⁻¹⁹ कितनी हो गई, माइनस की दूसरे किसी हो गई, प्लस की हो गई. ये सुन लो, अब डेसिमल था तो किसी को जब भी नीचे डेसिमल होता है तो नीचे जटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा ना. और कितना होगा 10⁻¹⁹. अब क्या करते हैं, हमें इस 16 को 10 से डिवाइड तो करना है. 10 बहुत छोटा होगा, एक काम का एक जीरो बढ़ा दें. तो हमने क्या करा, 10 में 10 से 10 इसमें से एक जीरो ले लिया, कितना हो गए 100 हो गया ना. कितने बचे 10 में 19 जीरो थे, 10 में कितने जीरो थे 19, में से हमने एक ले लिया कितने हुए यहाँ पर 18. 10 तो ऑलरेडी था, कैसे 10 आया जब एक नीचे डेसिमल हटाया ऊपर 10 बढ़ गया. 19 में से एक जीरो ले लिया कितने बचे 18. 100 बचा, 100 किससे डिवाइड करेंगे हम 16 से. डिवाइड करो, देखो यूल आई थिंक कितना आएगा तुम्हारा आंसर 6.25 × 10⁻¹. ठीक है, ये इसके नीचे 0 का मतलब 10 है ना. अगर यहाँ पे मान लो 0.16 होता तो क्या लिखते हैं, 2 जीरो. जितनी प्लेस को उतने तो ऊपर जीरो ले जाते हैं. अगर एक प्लेस से गया तो हाँ जल्दी बोल ना, एक जीरो कैसे जाएगा अकेला, टेन है ना, जीरो का मतलब 10 है. और ये और अगर 2 जीरो है तो हाँ 2 जीरो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा. फिर तुमने लेने के चलते चलेंगे कितने थे 1, 2, 3, 4, 19. उनमें से हमने क्या किया, एक 10 ले लिया, कितने बचे नहीं 16 से 100 से हमने काटा 16 को, 16 से डिवाइड किया 100 को, हमने तो क्या आया 6.25. काट पाए क्या, नहीं काट दिया. हाँ बेटा किसको नहीं आ रहा, काट लिया बेटा. हाँ बताया ना ऐसे किया होगा आपने, 100 को 16 से 96 4 पता ना डेसिमल 0 32 कितना आया 8 है ना, 16 × 5 = 80. इतने सारे इलेक्ट्रॉन है 1 कूलॉम में, सोच नहीं सकते आप. इतने सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक कूलॉम बना है, और इसी कूलॉम से मिलकर आपके इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो आपके घर तक आती है. और वो इलेक्ट्रिसिटी जब दौड़ रही है तो बन जाती है इलेक्ट्रिक करंट. जैसे पानी,
पानी प्रसा हुआ है कई जगह पर, तो वो है आपकी मान लो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो पानी क्या अकेला बना है? बहुत सारी बूंदें के बना है ना, वो सारी बूंदे क्या हुई इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारी इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना दिया उसने, बहुत सारा पानी टंकी में भरा हुआ है ना, और टंकी में छेद हो गया और पानी बहने लगा, तो क्या हो गया वो वाटर करंट, वाटर करंट पानी का बहाव, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहाव उसमें आ गया, नहीं आई किसको नहीं आई बताओ, आ गया घुमा कराकर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है इंटू 10 की पावर 19 कूलम, नहीं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, अगले काम करो उधर चले जाओ सबसे अंदर वाली कमरे में, से कहना सर ने भेजा है, हाँ जी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है जल्दी बताओ, आ गया। अब एक काम कर दो सिर्फ कूलम लो, देखो तुम्हारा अभी मोटी बुद्धि वाली हम आंसर दे रहे हैं, बहुत समझा दिया 1.6 × 10⁻¹⁹ c = 1, इसका ऐसे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 1 c is equal to क्या हुआ 1.6 × 10⁻¹⁹, इसमें आ रही यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकल आया, नहीं आया, जब इतना चार्ज है कूलम तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर कितने कूलम होंगे, कितने उस कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने क्या किया इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया नीचे डिवाइड हो गया ना, हेलो हां डिफाइन कंडक्टर, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हिंदी में क्या है सुचालक और कुचालक को परिभाषित कीजिए, लिख करो पहले डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, लिख दिया डिफाइन कंडक्टर CONDUCTOR एंड इंसुलेटर INSULATOR, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर लिख दिया, इंट्रो में डालो लिख लो ना पूरा, उसको छोड़ो उसको, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर लिख दिया, तो यहां से इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये है दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, मिल गया बेटा दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, देखिए दो सब्सटेंस लिखा हुआ है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, एग्जांपल बहुत सारे कंडक्टर हैं, एग्जांपल जितने मेटल्स के कंडक्टर हैं, है ना मोस्टली मेटल कंडक्टर है, एक ऐसा मेटल बताओ जो कंडक्टर है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, मेटल सॉलिड होते हैं ना, मैग्नीशियम, एक ऐसा मेटल बताओ जो आपने देखा होगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जब बीपी टेस्ट कराते हैं ब्लड प्रेशर तो उसमें ऊपर नीचे का होता है, तो जो चेक करते हैं थर्मोमीटर से आप देखा होगा, या आपका थर्मोमीटर होता है उसमें देखा होगा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो क्या है आपका मर्करी है कि वो हीट से अप हो जाता है, थोड़ी देर मिला दो उसको तो उसका टेम्परेचर यानी उसकी जो हीट है वो निकल जाती है, वो फिर वो नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है ठीक है, चलो पता किसको नहीं आ रही समझ में, तो इसमें एग्जांपल लिखो बेटा सिल्वर कॉमा कॉपर, सिल्वर कॉमा कॉपर, सिल्वर कॉमा कॉपर, बस हो गया सर, गोल्ड भी वो है कंडक्टर, हां सिल्वर कॉमा कॉपर बस हो गया मैम, सब हो गया सर, बस हो गई कंप्लीट हो गई, सिल्वर डिफाइन इंसुलेटर, इसमें देखो इंसुलेटर दो सब्सटेंस देखो, और देखो डिफाइन इंसुलेटर देखो आलू से दो सब्सटेंस
area through which electricity cannot flow. Those substances through which electricity cannot flow. Flow are called insulator. Clear? Those substances through which electricity cannot flow are called insulator. Clear? Are called insulator. Example kilometer is insulator ka. Wood ho gayi aapki. Plastic ho gayi. Hai na? हाँ ना बोर्ड हो गई प्लास्टिक हो गई ये सब किसके एग्जांपल बेटा आपके इंसुलेटर के क्लिक मिल गया बोर्ड प्लास्टिक क्या है आपके इंसुलेटर आपको देखा होगा मुठ पे लकड़ी पे खड़ा जादू करने नहीं लगता गंदा नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ घर पे जाना मतलब गंदा नहीं बता रहा हूँ सिर्फ करंट का एक ही तार पकड़ना दोनों ने इसमें करंट अर्थ मत पकड़ना लकड़ी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए गीली नहीं होनी चाहिए अगर आप करंट का सिर्फ एक वायर पकड़ते हो आप नहीं कोई भी अर्थ का नहीं पकड़ने का दोनों एक साथ पकड़ लो एंकर का एरोडिंग बना जाएगा सिर्फ करंट का तार पकड़ना पहले आपको करंट नहीं लगेगा क्यों क्योंकि आपका जो एसी आप दो तरह करंट होते हैं एसी और डीसी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मजाक हो रहा है फिर ऐसे करोगे सुन लो ना मेरी बात दो तरह के करंट होते हैं एसी और डीसी एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट डीसी मतलब डायरेक्ट करंट हमारे यहाँ जो करंट चल रहा है वो एसी होता है एसी वाली एसी नहीं एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट है अल्टरनेटिव करंट होता है कि वो उसको चलने के लिए दो माध्यम चाहिए दो मीडियम चाहिए अर्थ और फेस अर्थ और फेस फेस मतलब होता है जैसे फेस जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और अर्थ मतलब जमीन तो जमीन अर्थिंग जिसे कहते हैं और जब दोनों मिलते हैं तब जाके वो आपका काम करता है नहीं समझ मेरी बात तो हाँ तो फेस और न्यूट्रल जिसे भी कहते हो तो कहने का मतलब ये दो लाइनें जब होती हैं तब मिलकर काम होगा लेकिन मान लो अगर एक मिलेगी तो काम नहीं होगा मान लो अगर आपने सिर्फ फेस पकड़ लिया फेस मतलब करंट आ रही जो लाल वाली तार में होता है अब ये नहीं किसी ने लाल वाली तार उस वाली तार में जोड़ दी काली काली जोड़ दी इसमें सर ये तो काली वाली है लाल वाली बताई थी नहीं नहीं तो करंट मतलब एग्जाम लाल काली बनाई है उसी के लिए करंट के लिए तो अगर आपने वो पकड़ ली और आप लकड़ी पे खड़े हो तो करंट नहीं लगेगा कंडीशन लकड़ी सूखी होनी चाहिए और लकड़ी जमीन से काफी ऊंची होनी चाहिए हाँ तो इस तरह से आपका वो नहीं करंट करे पकड़े क्योंकि आपको फेस नहीं मिल रहा है तो क्यों क्योंकि जो लकड़ी है वो क्या है इंसुलेटर है वो जमीन से आपकी बॉडी का करंट अर्थ को जाने नहीं दे रही है तो आपकी बॉडी में करंट जरूरी है लेकिन वो पास नहीं होगा और जब तक वो पास नहीं होगा वो फ्लो नहीं होगा और जब तक फ्लो नहीं होगा तो वो करंट लगेगा ठीक है फिर इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो तो समझ आ गया मेरी बात तो ये आपके क्लियर हो गया एग्जांपल आपने वुड प्लास्टिक ले लिया है कभी देखा होगा आप खुद ही देख लो जो आपकी सॉकेट है उनमें प्लास्टिक तो लगी है अंदर जो पॉइंट है अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है वो जो लोहे की पिन क्या होती है कॉपर की लोहे की पिन होती है चिपकी तो सीमी है उसमें करंट नहीं आ रहा दूसरे की बात है क्योंकि ऊपर जिससे अगर आप से टच कर ले तो आपको करंट ना लगे इतने में आ गया इतना हो गया अगली क्लास में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कराऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराऊंगा और इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे ठीक है टेक केयर बाय